बताया था कि स्टेबिलिटी कैसे देखनी होती है। स्टेबिलिटी के सारे रूल्स लिखा दिए थे आप प्रायोरिटी ऑर्डर से, ये चेक करते हो कि किसके अंदर क्या स्टेबिलिटी दिखेगी। अब बेटा हमें ना कुछ कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखने, तो मैं आपको बता देता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही। ठीक है, थोड़ा तबियत के रिगार्डिंग। ओके, तो बेटा एक कंपाउंड होता है फिनोल, ठीक है, फिनोल। फिनोल के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन होता है बेटा, इसके ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कीजिए आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ओके, आ जाओ, चलिए जैसे हमने स्टार्ट किया बेटा, तो सुनिए ये कंपाउंड है फिनोल, ठीक है। फिनॉल के अंदर हमें सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। आप बेटा क्या करो, सबसे पहले इस बॉन्ड को यहाँ पे लेके आइए, ठीक है। इस बॉन्ड को यहाँ पे लाने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को ऐसे घुमा दो। इसको आपने ऐसे रोटेट कर लिया, अब क्या होगा अगर आपने इसको ऐसे रोटेट किया है, आपके अगर आप देखोगे क्या क्या चार्जेस आए होंगे। बेटा ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर देखिए, यहाँ से इसका जो बॉन्ड रोटेट हुआ उसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ऊपर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसने एक बॉन्ड डोनेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। बेटा यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड जब इसके पास आया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया होगा, इसके दोनों के दोनों चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो डबल, यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आएंगे। जैसे हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे ये हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो क्या होगा, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ये बॉन्ड बनाएंगे, मुझे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को आप चाहे घुमाना दिखाओ, चाहे ऐसे बोलो कि प्लस माइनस ने मिलके एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बेटा मेरे को मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड ये हो जाएगा यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड ओ एच, और ये पॉजिटिव, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये आ गया, तीन स्ट्रक्चर आ चुके हैं बेटा मेरे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में फिर से इस वाले बॉन्ड को ऐसे रोटेट करेंगे। इसको जैसे ही आप ऐसे रोटेट करोगे, यहाँ वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ वाले पे पॉजिटिव आएगा, इसके नीचे यहाँ पे ऐसे करके नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो हम इसको अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसमें शो होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऐसे करके ये बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव, और यहाँ पे ओ पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अच्छा एक बॉन्ड ये वाला यहाँ पे होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये थोड़ा सा आसपास आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, प्लस माइनस दोनों ऑक्सीजन पे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ बना लेता थोड़ा सा नीचे। ओके, यहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव, इसके बाद क्या होगा बेटा, ये वाला आपका जो बॉन्ड है ये वापस जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के पास, और ये वाला बॉन्ड जैसे इसके पास वापस जाएगा, क्या बेटा यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये बॉन्ड रोटेट होगा इसके ऊपर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, इसके पीछे एच लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव आया बेटा, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, इस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, पहले से पॉजिटिव था, एक आपने जब बॉन्ड वापस घुमाया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। मेरे को जो फाइनल हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, वो होगा कुछ ऐसा, यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिनोल
ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर उसके पास वापस आ जाएंगे। और मोड्स देखो कहाँ कहाँ आएंगे, एक तो ये वाला बना और जो प्रीवियसली एग्जिस्ट कर रहे थे। बट ऐसे करके ना मेरे पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। कितने आ गए? पांच। तो फिनोल के अंदर क्या सबको समझ आ गया कैसे आपको बोन्स रोटेट करने, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं? हाँ जी समझ आया है? यस सर। ठीक है, तो इसके फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए बेटा। फिनोल हैज फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिनोल हैज फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, इसके अंदर से बेटा अगर आपको हाइब्रिड बनाना होगा तो हाइब्रिड कैसा होता है? हाइब्रिड के अंदर आपको सबका कैरेक्टर शो करना पड़ेगा, कैसा कैसा सबके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो बेटा हाइब्रिड जो होगा इसका, इसका हाइब्रिड जो आएगा वो आएगा आप ये वाली। देखो हाइब्रिड बनाने के लिए पहले तो जो एटम का फ्रेम है वो एज इट इज क्रिएट कर लो, उसके बाद हर स्ट्रक्चर के अंदर जो जो कैरेक्टर्स आए वो आप शो कर दो। तो बेटा एक तो कैरेक्टर आ रहा है कि सबके सब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर क्या आ रहा है? इस वाले कार्बन के ऊपर बेटा आपको डेल नेगेटिव चार्ज मिला, उसके बाद इस वाले के ऊपर डेल नेगेटिव मिला, और उसके बाद लास्टली इस वाले कार्बन के ऊपर आपको डेल नेगेटिव चार्ज मिला। और यहाँ पे आपको इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या मिल रहा था? पॉजिटिव चार्ज हर स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव शो कर देंगे, डेल पॉजिटिव। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और आया था बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था। दिस इज माई रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड? कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये हो गया बेटा, इसकी वजह से जब मैंने इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप लगाया, जब मैंने OH ग्रुप लगाया तो इसकी वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ गई बताइए, क्योंकि इसके कार्बन के ऊपर अब क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये वाला ग्रुप लगाने की वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, क्या ऐसा कहना ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर इंक्रीज हो गए ये OH ग्रुप लगाने की वजह से रिंग के ऊपर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेटा? दिस इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसको जैसे ही आप किसी भी कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में लगाओगे, अगर आप किसी कंजुगेटेड स्ट्रक्चर के अंदर इसको लगाते हो तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने शुरू कर देगा। तो जैसे अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर डीएसडी एग्जिस्ट कर रहा हो, डीएसडी एग्जिस्ट कर रहा हो, उसके साथ आप इस ग्रुप को लगा दो, ठीक है, जैसे OH आपने लगाया, बेटा उस केस के अंदर क्या होगा? ये रेजोनेंस करके इस स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? इस स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। आपको ये और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं इस चीज का। ऊपर वाले में डोनेट करेगा, किस वाले में? यहां पर वाले में लिखा ना रिलीजिंग लिखा बेटा, रिलीजिंग। रिलीजिंग का मतलब डोनेट ही होता है, ठीक है। ये जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है। आपको एक और अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि ये बेटा मेरा वही बेंजीन रिंग और इसके अंदर जो मैंने OH लगा रखा है, यहाँ पे बेटा मैंने नीचे लगा दिया CH2 पॉजिटिव। इसके अंदर बेटा अगर मैं आपको रेजोनेंस दिखाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड रोटेट हुआ और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे रोटेट होगा। ये जैसे ही रोटेट होगा बेटा इसकी वजह से ना कुछ फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। फाइनली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो CH2 के साथ यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे इसकी वजह से इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया होगा, ये जो बॉन्ड्स होंगे इसके ऊपर क्या आया होगा? पॉजिटिव, और इसके ऊपर आया होगा नेगेटिव, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। यहाँ पे बेटा इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आया होगा? इसके ऊपर आया होगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन क्योंकि इसका ये वाला जो बॉन्ड घूमा है, ये वाला बॉन्ड इसका रोटेट हुआ है, उसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आया होगा। तो मैंने इन दोनों को न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे न्यूट्रल दिखा दिया, इस वाले कार्बन को न्यूट्रल दिखाया, ऊपर वाले ऑक्सीजन को पॉजिटिव दिखाया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज दिखाया इस वाले कार्बन के ऊपर, नीचे वाले कार्बन के ऊपर जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या करेगा? एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। ये नेगेटिव इस वाले कार्बन के साथ मिलकर एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड एज इट इज सेम रहेगा। बट अगर आप देखोगे इस OH ग्रुप के लगने की वजह से क्या इस CH2 के कार्बन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया? इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया, या कह सकते हो कि कम हो गया। तो बेटा जब इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो हाइब्रिड के केस में क्या होगा बेटा? अभी तो इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज दिख रहा है आपको,
अभी तो इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज दिख रहा है, हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन दिस पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे भी, इस पे इसके ऊपर आएगा, और यहाँ पे CH2। बेटा यहाँ पे रियल चार्ज था, लेकिन यहाँ पे अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाऊंगा क्योंकि रेजोनेंस प्रेजेंट था, ठीक है। इसके अंदर ऐसे करके रोटेट करेगा और यहाँ पे एक डेल नेगेटिव चार्ज होना पॉसिबल है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, इसकी वजह से ये जो CH2 ये कार्बन था, इसका क्या पॉजिटिव चार्ज मैंने कम कर दिया, बताइए। दिस पॉजिटिव चार्ज हैज रिड्यूस्ड, ये पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो गया, ये OH ग्रुप लगा होने की वजह से हुआ है, क्योंकि ये OH ग्रुप क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए तभी ये इस कार्बन के पास पहुंचे और इसके पॉजिटिव चार्ज को बेटा कम कर दिया, ठीक है। ऐसे टाइप के अगर ग्रुप्स लगे होते हैं तो उनको बोलते हैं बेटा प्लस एम के ग्रुप्स। क्या मैंने आपको प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर दिखाया? नहीं दिखाया, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं प्लस एम के ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो प्लस एम इफेक्ट दिखा रहे हैं। दिस इफेक्ट, दिस फेनोमेना ऑफ रिलीजिंग और विड्रॉइंग, रिलीजिंग और विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंजुगेटेड सिस्टम, इन ए कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को किसी सिस्टम के अंदर डोनेट करना या वहां से विड्रॉ करना हो सकता है बेटा। कुछ ग्रुप्स आपको ऐसे मिलेंगे जो यहाँ पे इस CH2 के ऊपर डोनेशन करने के बजाय इससे इलेक्ट्रॉन्स वापस खींचेंगे, कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है। अगर ऐसा ग्रुप हो तो बेटा वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऊपर वाले थे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स दिखाते हैं बेटा माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो इसके ना दो टाइप्स होते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के, दो टाइप्स होंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के, दो टाइप्स। पहला क्या हो जाएगा बेटा, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। ये क्या करता है बेटा, ये ना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा होता है रिंग के अंदर, ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर यहाँ पे आप कोई भी चीज लगा रहे हो CH2 पॉजिटिव से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ERG, ये क्या शो करेंगे बेटा, प्लस एम शो करेंगे, और ये क्या शो करेंगे, माइनस एम। इसके बाद जो है आपको एक ऑर्डर लिखना है कि कौन कितना अच्छा प्लस एम शो करता है और कौन कैसा माइनस एम शो करता है, ठीक है। इस चीज का मैं ऑर्डर आपको लिखा देता हूँ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। एक सेकंड दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे बेटा ये ऑर्डर लिख लीजिए आप कि कौन कौन से ग्रुप्स कैसा कैसा इफेक्ट शो करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। उसके बाद आप ना कंपेयर कर सकोगे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने, पर कंजुगेटेड सिस्टम M को, इस M को क्या कहते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। M तो बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट है, M इज फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दिखाए थे, उसके अंदर पहला था बेटा इंडक्टिव, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन लिखा होगा, या फिर हो सकता है मेसोमेरिक मैंने 2 पे लिखा हो, ठीक है, और तीसरा मेसोमेरिक इफेक्ट। ये क्या थे, मेरे परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थे। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब बेटा ये होता है कि जहां पे रेजोनेंस करना पॉसिबल हो, ठीक है, जहां पे भी रेजोनेंस करना पॉसिबल हो, CH2 और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस करना पॉसिबल है, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे रोटेट हो जाएगा और यहाँ पे इस वाली साइड आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे इस वाले कार्बन का यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे करके डबल बॉन्ड दिस दिस एंड CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। आप या तो ऐसे देख सकते हो कि इतना पार्ट आपका वो सिस्टम है जिसको इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव हो गया, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे ही हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ आपका, अगर कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, रेजोनेंस को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम चाहिए। इसको मैंने आपको ऐसे बोल के भी बताया होगा,
कि डीएसटी यहाँ पे बेटा डबल आया, ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, उसके बाद ये सिंगल आया, उसके बाद डी आ गया, तो डीएसटी जहां पे बन रहे हैं वहां पे आप क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप अभी ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस साइकिल में होता है क्या बेटा, मेजोमेरिक साइकिल में होता है? नहीं नहीं, यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट मानोगे आप, ये ओपन है, यहाँ पे भी आप मेजोमेरिक इफेक्ट मानोगे, ठीक है, यहाँ पे आप दो लोगों का मेजोमेरिक इफेक्ट मान सकते हो। या तो अगर आप देखोगे इस चेन के ऊपर ये वाला जो ग्रुप लगा है पॉजिटिव, इसने क्या किया, इस चेन के लिए इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए हैं, तो जी इज ईडब्ल्यू जी फॉर द चेन, फॉर द चेन। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि आपका जो ग्रुप लगा हुआ है ये आपका चेन है और ये जो पीछे लगा हुआ था ये ग्रुप था, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फॉर द चेन, ठीक है, फॉर द चेन, जो पीछे कार्बन की जो चेन बनी हुई है, और यहाँ पे मैं सी एच टू पॉजिटिव, अगर इसके रेफरेंस से देखूंगा तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं साइड वाली चेन के अंदर से, तो वो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और अगर ऊपर वाले रेफरेंस पॉइंट से देखूंगा कि मेरी चेन के साथ क्या हुआ, तो चेन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, तो चेन के ऊपर आप यहाँ पे कह सकते हो दिस इज माइनस एम ऑफ जी ग्रुप, ठीक है, माइनस एम ऑफ जी ग्रुप, और जो सी एच टू पॉजिटिव मैंने दिखा रखा है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, दिस इज प्लस एम ऑफ द चेन, ठीक है, ऑफ द चेन, इसको जी ना लिख के आप सी लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो चेन लगी हुई थी इसके साथ, इसने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, तो इसने इसके साथ क्या किया बेटा, प्लस एम किया है, ठीक है। आप ये ऑर्डर लिखिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट कौन कितना स्ट्रॉन्ग करता है, उसके बाद आपको अभी और समझ में आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको समझ आ जाएगा करना क्या एग्जैक्टली। ये ऑर्डर लिख लीजिए, अलग अलग ग्रुप्स हैं बेटा, इनका अलग अलग लेवल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आता है, सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट आता है। OH हो गया बेटा, उसके बाद क्या आ जाएगा, OR हो जाएगा, इसके बाद ये ग्रुप आता है CH3, और फिर हो जाएगा बेटा OC डबल बॉन्ड OCH3, उसके बाद बेटा हैलोजन्स आते हैं, हैलोजन्स, और हैलोजन्स के अंदर बेटा फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, व्हिच इज मोर देन ब्रोमीन एंड व्हिच इज मोर देन आयोडीन, ठीक है, ये आपका ऑर्डर आता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हो गया नोटेड, यस सर, ठीक, चलिए इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट चीज आ गया ये हो गया सी एच टू पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा मैंने एक ग्रुप लगाया OH ग्रुप, ठीक है, और यहीं पे अगर मैं लगा रहा हूँ सी एच टू पॉजिटिव ग्रुप, और यहाँ पे क्या लग गया है NO2, आपको ये बताने बेटा व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ए एंड बी में, हु इज मोर स्टेबल, हु इज मोर स्टेबल, हु इज मोर स्टेबल, ए और बी, इन दोनों के अंदर से कौन ज्यादा स्टेबल है। हिंट इज आपका कार्बन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको कम करना चाहेगा, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी बात की थी कि उसको कम करना चाहेगा, तो कौन सा ग्रुप इसके ऊपर, ओके NO2 जो है, अभी मैंने आपको माइनस एम का ऑर्डर नहीं लिखा है ना, कंसिडर NO2 एज ए माइनस एम ग्रुप, ठीक है, ये माइनस एम का ग्रुप होता है, माइनस एम का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ अपने पास खींचेगा इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स बाय प्लस एम, प्लस एम के जो ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं किसी सिस्टम के अंदर से अगर इनको कंजुगेटेड सिस्टम मिल जाता है। A will be more stable, ठीक है, बिल्कुल, तो A ना बेटा यहाँ पे solution जो है A will be more stable, क्योंकि A क्या है बेटा, A के अंदर ये है एक
प्लस एम ग्रुप है, दिस इज ए प्लस एम ग्रुप एंड दिस इज माइनस एम ग्रुप. प्लस एम ग्रुप क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ प्रोवाइड कर रहा होगा. इलेक्ट्रॉन्स अगर नीचे की तरफ आएंगे तो बेटा इसका पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा. और ये क्या है, ये माइनस एम ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, इसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज होगा. इसका पॉजिटिव चार्ज अगर और ज्यादा इंक्रीज होगा तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा. तो बेटा ए इज मोर स्टेबल देन बी. ठीक है जी. इसके बाद अगर एक और क्वेश्चन में देखूं, इसके अंदर हम दो प्लस एम ग्रुप्स को अगर कंपेयर करें, हम अगर दो प्लस एम ग्रुप्स को कंपेयर करना चाहें बेटा, तो ऐसे करके अगर मेरे पास ये रिंग है, ये हो गया बेटा आपका सी एच टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ पे बेटा मैंने एक ग्रुप लगा दिया है OH, और यहाँ पे अगर मैं OR लगा रहा हूँ, OR इस केस के अंदर मैंने क्या लगा दिया, OR ग्रुप लगा दिया. बेटा यहाँ पे अगर मैं A और B बोल दूँ दोनों को, A एंड B, तो विच इज मोर स्टेबल, A और B? बी ज्यादा स्टेबल होगा. व्हाट इज द रीजन बेटा, बताइए. नीचे की साइड आ रहा है ना इसमें, ऑर्डर में, ऑर्डर में जो नीचे आ रहा है, तो मैंने कैसे दिखाया साइन, ये अगर नीचे आ रहा है तो OR का प्लस एम ज्यादा है कि OH का, ऐसे दिखा रखा है, तो बताइए किसका ज्यादा प्लस एम है. OH का, OH का ज्यादा है, तो इसको स्टेबलाइज कौन ज्यादा करेगा, OH की OR? OH. OH आएगा, तो A will be the correct answer. Question. A is more stable than B. Than B. Because its plus M is stronger than, its plus M is stronger than B. ठीक है, ऐसे हम लोग प्लस एम और माइनस एम को यूज करते हैं. ऑर्डर देख के हम लोग बता सकते हैं कौन कितनी स्ट्रेंथ से आपका प्लस एम हो माइनस एम लगा रहा होगा, उसके हिसाब से हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं. अगर यहीं पे बेटा एक क्वेश्चन और करें कि यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर NO, यहाँ पे बेटा CH2, बट अब की बार नेगेटिव लगा हुआ है, ऊपर बेटा इसके OH लगा हुआ है और इसके ऊपर CH2 नेगेटिव के केस के अंदर OR लगा हुआ है. अब की बार बेटा अगर स्टेबिलिटी बतानी हो तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इक्वल क्वेश्चन मार्क, बताइए बेटा. हाँ जी, इस केस में बताइए, सोचिए आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना चार्ज कम करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा. बोलिए जी, इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए मुझे इसका चार्ज कम करना पड़ेगा कि इंक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. OR बी इज मोर स्टेबल, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल आपने अभिनव ने बोला शायद कि मुझे इसका चार्ज जो है कम करना पड़ेगा. अब नेगेटिव चार्ज को कम करना है तो ये तो जो है दो ग्रुप्स, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेटा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. ठीक है, लेकिन OH का जो प्लस एम है बेटा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, OH का प्लस एम, प्लस एम ऑफ OH इज स्ट्रॉन्ग, तो वो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, देयरफॉर इट विल इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन, ऑन द कार्बन. अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा तो ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के बजाय घटा रहा होगा, क्योंकि इसे तो नेगेटिव चार्ज कम करना है स्टेबिलिटी के लिए, उल्टा ये इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ाता जा रहा है. इस केस के अंदर बेटा देयरफॉर OR दो, OR भी इसको अनस्टेबल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसको अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन OH के मुकाबले दो इट इज ऑल्सो ERG एंड इट इज अनस्टेबलाइजिंग द कार्बन, बट दिस अनस्टेबलाइजेस लेस, दिस अनस्टेबलाइजेस लेस बिकॉज इट रिलीजेस लेसर इलेक्ट्रॉन्स, इट रिलीजेस लेसर इलेक्ट्रॉन्स एज इट्स प्लस एम इज वीकर देन, its plus m is weaker than
OH, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। क्या ये बातें समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा एक ऑर्डर लिख लीजिए कि माइनस एम अगर कोई दिखा रहा है, माइनस एम ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस एम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट, अगर कोई बेटा माइनस एम शो कर रहा है तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, वो पॉजिटिव सी एच टू पॉजिटिव, उसके बाद आएगा बेटा एनओ टू, उसके बाद सी एन, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्स लिख लीजिए, हैलोजन्स जो है एसिड हैलाइड्स, उसके बाद आ जाएगा बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एच, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ आर, दिस इज कीटोन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद एनहाइड्राइड एक ग्रुप आता है बेटा, ये हो जाएगा, देन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मेरे को एक और बात बतानी है। तेरे जो ऑर्डर है पूरे याद करने पड़ेंगे। हाँ जी, ये पूरा याद करना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज। क्या टाइम से याद करना के? टाइम चाहिए याद करने के लिए? बिल्कुल टाइम तो चाहिए, धीरे धीरे याद करो, रोज इसको सुबह शाम रट्टे मारो, ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक में यही काम आएगा आपके, नॉट जस्ट हेयर, ये बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक के, बेसिकली ये हर जगह आपके काम आएंगे, प्लस एम माइनस एम, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा है, ऑर्थो एंड पैरा पे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। देखो बेटा कार्बन, अगर मैं बेंजीन के रिंग की बात करूं तो इसके अंदर बेटा पोजीशंस होते हैं, ये कार्बन है 1 2 3 4 एंड 5, तो बेटा जो मेरा फर्स्ट कार्बन होता है किसी ग्रुप से लगा हुआ तो उसके रेफरेंस में वो होता है ऑर्थो, तो 1 और 5 मेरे क्या है, ऑर्थो पोजीशन से बेटा। जो सेकंड कार्बन्स होते हैं उन पोजीशन को बोलते हैं बेटा मेटा, एम ओ इज ऑर्थो पोजीशन, ओ इज ऑर्थो पोजीशन एट 1 एंड 5, एम इज बेटा मेटा पोजीशन, एम क्या होता है मेटा पोजीशन होता है एट 2 एंड 4, और जो बेटा थर्ड कार्बन है ये वाला, ठीक है, पी इज बेटा पैरा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, is at 3 number carbon, ठीक है। इस line में बेटा मैंने ये लिखा है कि electrons flow only to the atom to or from atoms present at ortho and para position of the ring। इसका example ये है बेटा, अगर मैं ऐसे करके कोई group लगा रहा हूँ CH2 positive और ये हो गया OH, OH और CH2 positive, मैंने कहा कि बेटा ये आपका अगर प्लस एम का ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, बिल्कुल रिलीज करेगा, लेकिन जो आपका ए पोजीशन है, ए वाला जो केस है, उसके अंदर बेटा आपका जो एटम कार्बन का लगा हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो मेटा के ऊपर एग्जिस्ट करता है, हियर इट इज एट मेटा, मेटा, सो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रीच द कार्बन एट मेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में आएंगे, इस रिंग के अंदर जरूर आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग विल बी इंक्रीज्ड, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, विल बी इंक्रीज्ड, बट इट विल नॉट रीच द सी एच टू पॉजिटिव, व्हाइल बी जो केस है बेटा इसमें पैरा पे प्रेजेंट है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच to the carbon at para, ठीक है, ये आप लिख लीजिए
ऐसा क्यों होता है? सो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी बताऊंगा बेटा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा मिलेगी मेरे को? यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी बता सकता है? मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ पैरा वाले एटम्स तक पहुंच सकते हैं, मेटा वालों तक नहीं पहुंचते। तो यहाँ पे एम इफेक्ट विल रीच मेटा बाय एम इफेक्ट। आई इफेक्ट वगैरह लग रहे होंगे, आई इफेक्ट इस मेटा पे तो जाएगा ही, मेटा पे पैरा पे जा रहा है तो मेटा से तो जाएगा ही नहीं। उसका रीजन होता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, लेकिन इससे इस कार्बन के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचते, ये फैक्ट है, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे बस इतना बता दीजिए कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा मिलेगी आपको, ए की बी की? सर बी की। बी की ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। अब देखिए रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, मेटा के केस में क्या होता है और पैरा के केस में क्या होता है। ये आपका आपने ग्रुप लगाया OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, ये लगा हुआ है CH2 पॉजिटिव, बॉन्ड्स रोटेट होएंगे, ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे करके रोटेट होएगा, यहाँ पे इसको ऐसे करके रोटेट कर दो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसको आपने ऐसे करके रोटेट क्या बना दिया मैंने बॉन्ड्स 1 2, यहाँ नहीं ऐसे आएगा, ये हो गए इस वाले कार्बन पे, इसके ऊपर आएगा और ऐसे करके आपके ये वाला बॉन्ड बेटा यहाँ पे ऐसे करके रोटेट होएगा, ठीक है, और ये वाला ऐसे करके रोटेट होएगा। इसकी वजह से आप देखोगे इस वाले कार्बन तक आपका चार्ज पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बेटा डबल बॉन्ड ओ बना लेगा, अभी समझाऊंगा एक बार देख लो, पॉजिटिव, ठीक है, जैसे ये बॉन्ड रोटेट हुआ इसके ऊपर आपको क्या मिला माइनस, यहाँ पे क्या मिला प्लस, तो ये वाला बॉन्ड तो आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद इसके ऊपर आया बेटा नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा जब ये वाला ये जो बॉन्ड है दिस वन, ये बॉन्ड जब घूमेगा इस वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बेटा ये दोनों आपस में बॉन्ड्स नहीं बना सकते, ये दोनों आपस में आप बॉन्ड्स नहीं बना सकते, इस वाले कार्बन के ऊपर ना आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और बॉन्ड बनेगा इन लोगों का, बॉन्ड बनेगा इनका, इस वाले कार्बन के ऊपर आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर आपका बॉन्ड नहीं बन पाता है अगर ये मेटा पोजिशन के ऊपर होता है, अगर ये मेटा पोजिशन के ऊपर, अगर यहीं पे इसी जगह के ऊपर इसी सिचुएशन में मैं कह रहा हूँ कि सी एच टू नीचे प्रेजेंट था, सी एच टू अगर नीचे प्रेजेंट था, ये जब सिचुएशन बनी, ये जो प्लस माइनस मैं आपको शो कर रहा हूँ इसी सिचुएशन के अंदर बेटा, अगर ये सी एच टू यहाँ होता इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये ऊपर एज इट इज मैंने बना रखा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों मिलके बॉन्ड बना सकते हैं, इस केस के अंदर इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, कब, जब ये पैरा के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये फर्क आता है, इसलिए मेटा के केस के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स इस तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, इस वजह से आप हमेशा मेटा पे तो प्लस है। क्या मेटा पे प्लस चार्ज है, बस मेटा के ऊपर देख लो ये प्लस चार्ज आएगा, मेटा के ऊपर आपका जो है प्लस चार्ज आएगा, तो ये दोनों मिलके तो बॉन्ड्स बना नहीं सकते, आप कहीं भी बना के देख लेना रिंग के अंदर, किसी भी केस के अंदर आप बना के देखना। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स, अब जो है एक और बात आएगी, इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इज सीन ओनली ऑन द ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप्स, ऑर्थो और पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, नो इफेक्ट विल बी प्रेजेंट ऑन मेटा, नो इफेक्ट विल बी प्रेजेंट ऑन मेटा पोजिशन, ठीक है। आप एक चीज देखिए ऊपर अगर चल के देखूंगा बेटा, जब मैंने सबसे पहले फिनोल के स्ट्रक्चर बनाया था, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बनाए थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो मैंने आपको जो हाइब्रिड शो किया है, जो हाइब्रिड शो किया है उसके अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर, तो इनके ऊपर अगर कोई ऐसे करके चार्ज प्रेजेंट है नेगेटिव हो जाए आपका पॉजिटिव हो, उस तक इफेक्ट जरूर जा सकता है क्योंकि उनके साइड में इफेक्ट शो होगा, बट मेटा के ऊपर आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करा सकता। क्या समझ में आ रहा है? यस सर, रेजोनेंसिंग इफेक्ट चल रहा है इसमें सब कुछ। हाँ, ये मेसोमेरिक चल रहा है बेटा, मेसोमेरिक चल रहा है क्योंकि इसके अंदर चार्जेस ना आपके हमेशा जो नेट चार्जेस आते हैं वो शो होने वाले हैं ऑर्थो और पैरा के ऊपर, तो अगर मेटा के ऊपर कोई पोजीशन लगी हुई है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आता, अगर यहाँ पे कोई लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी लगा हुआ है पॉजिटिव हो चाहे
नेगेटिव, यहाँ पे कोई इफेक्ट शो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर नेट चार्जेस इस पोजीशन के ऊपर शो ही नहीं होते, ठीक है। तो आप तो ज्यादा इतना मत देखो कि कैसे कैसे ये बॉन्ड घूमेंगे, क्या बन रहा होगा। आप इतना याद रखो कि अगर मेटा पे दो लोग प्रेजेंट है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रेजेंट नहीं होगा, अगर ऑर्थो और पैरा के ऊपर तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आएगा, ठीक है। आप इतना याद रखो, इसी से आपके क्वेश्चंस होंगे। बार बार कोई आपसे बॉन्ड्स वगैरह ओपन करा के नहीं पूछने वाला है कि क्या हो रहा है। अगर मैं ऐसा कहूं कि कोई भी एक क्वेश्चन और कर लीजिए, देन वी एंड दिस टॉपिक। OCH3 और यहाँ पे लगा दीजिए बेटा CH2 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दे हम, यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2 और ये क्या बेटा CH2 नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे CH2 तो नेगेटिव और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। ये हो गया। अपने ऊपर ऑर्डर्स खोल लो, ऊपर के पेज पे जो लिखे हैं, और ये बताओ कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर बच्चों क्या क्या आएगा बताएं। दिस इज ए, दिस इज बी बेटा, दिस इज सी एंड दिस इज डी। जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर्स बताएं। आराम से सोचो कौन प्लस एम का ग्रुप है, कौन माइनस एम का ग्रुप है, और वो है तो सही, क्या उनका प्लस एम माइनस एम लग भी रहा है कि नहीं, ऑर्थो और पैरा चेक करके, ऑर्थो पैरा मेटा चेक करके। आराम से नोट डाउन करो, लिखो। अरे भाई किसी को भी नहीं सूझ रहेगा क्या होगा। ABCD बनेगा। A is most stable। अच्छा OR ग्रुप है एक्चुअली, ये जो OCH3 लिखा है ये कैसा ग्रुप है बेटा, ये OR ग्रुप है। तो ये क्या शो करेगा, प्लस M की माइनस M? प्लस M शो करेगा। और जो मेरा नेगेटिव चार्ज है उसको क्या चाहिए स्टेबल होने के लिए, प्लस M लगना चाहिए उसके ऊपर की माइनस M लगना चाहिए? प्लस एम लगना चाहिए नेगेटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए। प्लस एम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कि जाते हैं, रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो इसके अंदर यहां से रिलीज, ये रिलीज करेगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा बेटा तो ऊपर जो CH2 है वो तो रिसीव करेगा ना, वो तो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले ही है और आपने कुछ ऐसा लगा दिया जो उसको और इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करा रहा है। ये कराने से इसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? सर घटेगी। घटेगी, ठीक है। तो ये तो मोस्ट स्टेबल नहीं होएगा, मोस्ट स्टेबल कौन सा होएगा, बी। इसके अंदर मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि NO2 क्या है बेटा, माइनस एम का ग्रुप है, ये उधर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स नीचे विड्रॉ कर लेगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद कौन आएगा? डी। उसके बाद डी, ठीक है, ओके। डी के अंदर, और आपने सी क्यों नहीं चुना किसी ने भी, क्योंकि उसके अंदर जो है प्लस एम का ग्रुप तो लगा हुआ है लेकिन वो कोई प्लस एम कर नहीं रहा है क्योंकि वो मेटा के ऊपर प्रेजेंट है। ये दोनों आपस में किस पे है, मेटा पे है कि नहीं है? यस सर। तो प्लस एम तो सी में भी नहीं लग रहा और डी में भी नहीं लग रहा, तो आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए ज्यादा स्टेबल? इसके अंदर जो OH है बेटा उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं। OH का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव?
हाँ भाई बोलो। OH का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होने के से अगर इंडक्टिव इफेक्ट इसका नेगेटिव होगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा कि अनस्टेबलाइज करेगा, अगर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सोचें। बताइए। स्टेबलाइज स्टेबलाइज करेगा क्योंकि इसके ऊपर माइनस एन लगाने वाला है। अभी जो है इसके ऊपर जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं बेटा, उसके हमने दो इफेक्ट पढ़े, तो दोनों इफेक्ट्स चेक करते हैं कि वो कैसे कैसे इफेक्ट लगवाने वाले हैं। और ये जो ग्रुप है बेटा, ये क्या करता है, ये प्लस एम करता है और माइनस आई करता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस, सॉरी, ये माइनस एम करेगा एंड माइनस आई करेगा। ये क्या करेगा बेटा, सिर्फ माइनस आई करेगा क्योंकि ये मेटा के ऊपर प्रेजेंट है और यहाँ पे नो इफेक्ट्स, ठीक है, नो इफेक्ट्स। अब देखिए जहां पे इफेक्ट है उनको कंपेयर करना शुरू करेंगे। एक्चुअली एक और बात है, इफ मेसोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट, देन मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट, मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट, इट इज डोमिनेंट। अगर कहीं पे प्लस एम और माइनस आई या फिर प्लस माइनस दोनों चीजें लग रही है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो किसके हिसाब से आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से आएगा। तो अगर इस केस के अंदर आपका ए केस के अंदर प्लस एम भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है तो नेट ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ये हम उस चीज को चूज करेंगे जो मेसोमेरिक का साइन आ रहा है। अगर मेसोमेरिक का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो हम मानेंगे ओवरऑल इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे प्लस एम से, ठीक है। माइनस आई से इसके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, बिल्कुल जा रहे होंगे, लेकिन माइनस आई जो होता है बेटा वीकर होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से, ठीक है। एम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन आई इफेक्ट। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन को भी हम कंसिडर करेंगे जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे। अभी की बात यह है कि आपका जो प्लस एम होता है वो माइनस आई से स्ट्रॉन्ग होगा एक एक केस में, तो बेटा ये ओवरऑल क्या होगा, इसके अंदर ओवरऑल लिखे हैं अब इन दोनों का रिजल्ट, तो ओवरऑल बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स विल कम टू CH2 नेगेटिव, ये इसका ओवरऑल इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एंड कम टू CH2 बाय एम इफेक्ट, इसको एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इस वाले केस के अंदर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम CH2 नेगेटिव बाय एम इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम CH2 नेगेटिव बाय आई इफेक्ट, और इसके अंदर नथिंग हैपेंस, नथिंग हैपेंस। तो पहले ज्यादा स्टेबल कौन होएंगे बेटा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स आए या जिनसे इलेक्ट्रॉन्स गए, बोलो। गए जिनसे गए तो कौन कौन से इनसे हैं, बिल्कुल कौन कौन से हैं, किस किस से गए गए इलेक्ट्रॉन, बी और बी सी, और ठीक है। इनके अंदर से एक के अंदर जो है माइनस एम या एम इफेक्ट से जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एक के अंदर आई इफेक्ट से जा रहे हैं, किसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, बी 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 के अंदर एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स जा बी रहे हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जाना है वो स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि उसके अंदर एम इफेक्ट लग रहा है। तो बी स्टेबल ज्यादा होगा कि सी, बी बी ज्यादा स्टेबल होगा बेटा सी से, क्योंकि दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स जो है जा रहे हैं आपके CH2 नेगेटिव से, लेकिन बी के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ से जा रहे हैं, तो बी ज्यादा स्टेबल हो गया सी से। उसके बाद कौन आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या जिसके पास कोई इफेक्ट नहीं है, इनके बाद कौन आएगा, सी के बाद ए और डी में से कौन आएगा, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे या जिसके पास कुछ ए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ए ए ज्यादा स्टेबल होगा, आप ये कह रहे हो। इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और डी के केस में कुछ नहीं हो रहा, ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं, तो आने वाला क्या करता है, अनस्टेबलाइज करता है, तो डी के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही अनस्टेबल होगा, बोलो होगा कि नहीं, यस सर ठीक है। तो इसके बाद कौन आएगा स्टेबिलिटी में, डी डी आएगा बेटा, इसके बाद स्टेबिलिटी में आपका डी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ए, ऐसे करके आप ठीक ऑर्डर्स निकालेंगे, ठीक है,
सारे के सारे पॉइंट्स याद रखना, ज्यादा कुछ है नहीं, प्लस एम माइनस एम। अभी मैं लिखाऊंगा अभी कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या लगना चाहिए, कैसे ग्रुप्स लगने चाहिए उसकी स्टेबिलिटी के लिए, पॉजिटिव के लिए क्या लगने चाहिए। उससे पहले हमको हाइपर कंजुगेशन और पढ़ना है, तो हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट करने के बाद हम ये चीज लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, और फिर एक चीज आती है बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। ये आप लोग पढ़ लीजिए कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। रेजोनेंस एनर्जी इसको पता है, किसने सुना है रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी, आइए रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब इसको समझेंगे इसका क्या मतलब है। पहले, सबसे पहली बात, अगर कोई चीज एनर्जी रिलीज करती है तो बेटा वो स्टेबल होगी कि अनस्टेबल? वो स्टेबल होगी कि अनस्टेबल? कभी सुना इस बारे में? अगर कोई कंपाउंड एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? एनर्जी रिलीज करने से स्टेबल होगा, बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं, स्टेबल होता है एनर्जी रिलीज करने से, बिल्कुल स्टेबल होता है। ठीक है, इफ एनी कंपाउंड लूजेस एनर्जी, इफ कंपाउंड लूजेस एनर्जी it gets stable energy out। e electron लगे गए तो इसको energy लिख लेते हैं ताकि confusion ना हो। energy out, कोई भी compound है ये, ठीक है। and if energy comes inside a compound तो stability बेटा घटेगी। ये compound हो गया मेरा, इसके अंदर अगर आपकी energy in आती है, energy in द कंपाउंड गेन्स एनर्जी, इफ द कंपाउंड गेन्स एनर्जी इट गेट्स अनस्टेबल, इट गेट्स अनस्टेबल। ठीक है, ये आप मान लीजिए किसी दिन फुर्सत से समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, एनर्जी बाहर जाने से स्टेबिलिटी क्यों आती है, अंदर आने से क्यों स्टेबिलिटी लूज होती है। अभी के लिए देखो इसकी जो डेफिनेशन है रेजोनेंस एनर्जी की, उसमें क्या लिखा है कि कोई भी आपके कंपाउंड होगा, ठीक है, उसका एक तो बेटा हाइब्रिड बनेगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा हाइब्रिड, हाइब्रिड, और एक बनेगा बेटा आपका अलग अलग जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे उनके अंदर से मोस्ट स्टेबल रेजो स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट स्टेबल रेजो स्ट्रक्चर। बट ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड हैज लेसर एनर्जी, लेसर energy than the most stable resonating structure, ऐसा observe किया गया। ठीक है, तो अगर इसकी energy कम है तो most stable जो resonating structure था उसने energy lose करके hybrid बनाया होगा, energy gain करके hybrid बनाया होगा। बोलिए, hybrid बनाया है most stable structure से, ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर से हाइब्रिड बनाया और वो इससे भी ज्यादा स्टेबल है, हाइब्रिड जो है वो इससे भी ज्यादा स्टेबल है, तो इसको बनने के लिए एनर्जी ली होगी इसने या एनर्जी दी होगी? सर ली होगी, इसने एनर्जी ली होगी। अगर कोई चीज एनर्जी गेन करती है बेटा बताओ वो ज्यादा स्टेबल होती है कि कम स्टेबल होती है अपने पिछले वर्जन से? कम स्टेबल होती। मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है तो इसने एनर्जी दी होगी कि ली होगी? दी होगी, दी होगी। इस कंपाउंड ने एनर्जी रिलीज कर दी होगी तब जाके मेरा हाइब्रिड बना होगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। बेटा ये जो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज्ड इज द रेजोनेंस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसी की वजह से बेटा स्टेबिलिटी आती है, तो ऐसा बोलते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी
brings stability in a compound. Resonance energy brings stability in a compound. ठीक है जी, ये बात हो गई. अच्छा, if there are two compounds the one with more resonance energy will be more stable. बोलिए, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी वो आपको ज्यादा स्टेबल मिलेगा. ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है? उसने ज्यादा एनर्जी लूज कर रखी होगी, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई होगी. क्या क्लियर है बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है और कब उसका उसकी वजह से कब आपकी स्टेबिलिटी आएगी और कब नहीं आएगी. ठीक है, एक ये चीज हो गई. एंड देन वी गो, अगर हम कोई क्वेश्चन करके देखें, एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी हमेशा रिलीज होती है. अगर किसी के अंदर रेजोनेंस आता है बेटा, उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी रिलीज ही होती है. ठीक है, अगर बेटा मैं एक कंपाउंड आपको ये दे रहा हूँ और एक कंपाउंड ये दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर भी आप डबल बॉन्ड ऐसे शो कर लो NH2. बेटा इस केस के अंदर जो है आपका जो रेजोनेंस है वो इन छह एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, सिक्स एटम्स. ठीक है, और यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर होने की वजह से ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डोनेट कर रहा होता है. ठीक है, इस केस की वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो रेजोनेंस प्रेजेंट है वो ऐसे करके प्रेजेंट है, इन सात लोगों के बीच में प्रेजेंट है, सेवन एटम्स के बीच में. ठीक है, इनके अंदर अगर सात लोगों के बीच में प्रेजेंट है बेटा, रेजोनेंस एनर्जी जो है, रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर इन किसमें लगता है, किसमें ज्यादा होगी, ए और बी. जहां जितना ज्यादा रेजोनेंस फैला होगा उतनी ज्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तो बताइए किसमें ज्यादा होगी बेटा रेजोनेंस एनर्जी, बी में ज्यादा होगी. ठीक है, बी में ज्यादा होगी. अगर बी में ज्यादा होगी तो बेटा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी, बी की स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलती है देन ए. ठीक है, ऐसे करके भी आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो. क्या क्लियर है? यस सर. ठीक है, अब एक और चीज है, टाइप्स ऑफ लास्ट स्लाइड दिखा दे एक बार, ये लीजिए इससे ऊपर वाली ये लीजिए. चलो आज इतना ही रखेंगे, टाइम हो गया, ये पढ़ते हो. एक ना आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास बताइए, आप लोग किस टाइम फ्री होते हैं, क्योंकि मुझे आपकी एक या दो